मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज सुबह मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग तो कल रात को ही अपलोड करने के लिए डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद अपलोड नहीं हुआ, तो अभी फिर से करना पड़ा। अभी जस्ट कल का ब्लॉग अपलोड हुआ है। सो गुड मॉर्निंग और धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बजे सुबह के 7:30 और हम ऑर्डर्स बनाने जा ही रहे थे कि उतने में आ गए पंकज भैया, जो दिल्ली में रहते और दिल्ली से आए काफ़ी दिनों बाद हमें मिलने के लिए। हम पंकज भैया के साथ में आए धीरज के घर में, हमारे फ्रेंड, और हम तीनों मिलके अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये तीनों जगह की सवारी चल रही नाश्ता करने के लिए, और हम आके खा रहे हैं पुआ पंकज और साथ में। तो नाश्ता वगैरह करके आने के बाद हम अभी बजे 12 और हम निकल रहे हैं गिलबिली के लिए। निवास भैया के नानी की हुई डेथ, तो उधर जा रहे प्रतीक भाऊ के साथ में। तो अभी जा रहे गिलबिली के लिए, जाके आएंगे उधर से। फिर शाम का प्लान कुछ है नहीं, संडे है और धनतेरस है, तो आज हो सकता है थोड़ा शॉप के पूजा वूजा हो और शॉपिंग करने वगैरह जाए। शॉपिंग का कुछ पक्का है नहीं, देखते आने के बाद क्या प्लान होता। तो आपने कर लिया पानी की बॉटल, वो गिलबिली का वहाँ पे कुछ पानी वगैरह का बॉटल निकालने मिलेगा, उसका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए हमने सेफ्टी के लिए ले लिया एक बॉटल, वहाँ पे मिलेंगे लेके पानी का बनने के बाद। अभी हमें जंगल में काफ़ी अच्छा व्यू है, इधर जंगल का अंदर और भी ज़्यादा अच्छा व्यू है, दिखाएंगे जाते जाते। आ गए हैं आसे गाँव के आगे थोड़ा, और लेफ्ट साइड में अच्छी खासी खेती वगैरह की जमीन है, राइट साइड में भी है खेती बहुत सारी, दोनों तरफ है पेड़ ही पेड़। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, धूप तो है बट कल रात ठंडी पड़ी, इस वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा ही मौसम लग रहा है, पर व्यू काफ़ी अच्छा है। तो हम पहुंच गए हैं गिलबिली में, और अभी वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे वो प्रोग्राम वगैरह है, वहाँ पे भी पहुँच गए। तो अंतिम विधि का प्रोग्राम हो गया है और हम निकल रहे हैं अभी घर, जल्दी हो गया। हम आए थे तब वो ले जा रहे थे, अभी हम निकल रहे घर। तो अब हमारा कार्यक्रम होने के बाद हम जा रहे चिचपल्ली रोड से घूमने के लिए, थोड़ा फिर बंगाली कैंप से होते हुए घर की तरफ जाएंगे। हरियाली के साथ साथ जंगल के बीचों बीच में ये गाय चरने के लिए लाए, ये भाई साहब है इन्हें लाए चरने के लिए। तो हम अभी पहुंच गए हैं चिचपल्ली के अंदर, जो पुलिया है रेलवे लाइन के नीचे से जाती है, इसके रेलवे लाइन के ऊपर पुलिया है, जंगल के बीचों बीच है और दोनों तरफ पुलिया के पेड़ ही पेड़, और ये रही रेलवे लाइन। और ये पुलिया हमेशा सुनसान ही रहता है, ज्यादातर शाम के टाइम में कोई आता जाता दिखेगा। ये एक गाड़ी दिखी सिर्फ अभी हमें इतने टाइम के बाद। पहुंच चुके हैं चिचपल्ली में, जहाँ तो यहाँ पे कुछ खाएंगे और घर निकलेंगे अपने। ये है चिचपल्ली का टी पॉइंट, इधर चंद्रपुर रोड, इधर जाता मूल रोड, अभी हम जा रहे हैं मूल रोड चंद्र चिचपल्ली के बाजार की तरफ। थोड़ा कुछ खाने के लिए हम आए शेर पंजाब दा ढाबा में, अच्छा खासा ढाबा है और यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल, हम दोनों आए। खाना हो चुका है कम्प्लीट और अभी हम निकल रहे घर की तरफ। ढाबा है शेर पंजाब ढाबा, शेर पंजाब ढाबा, अच्छा खाना रहा। पेड़ इतने सारे हैं कि सूरज थक रहा और चेहरे के ऊपर आते जा रहा। हम आते वक्त जंगल की तरफ से जुन्ना रोड से ही वापस जा रहे हैं घर के लिए। काफी पंछियों की वगैरह आवाज आ रही है बहुत प्यारी। अभी पहुंच चुके हैं घर की तरफ, अभी घर जाते नहाते धोते और जो काम है बाकी का वो कंप्लीट करते हैं। आने के बाद नहा धो के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सिटी में, शाम का टाइम हो चुका है और ठंड पड़ चुकी है, इस वजह से आज लगाया हमने स्वेट टी शर्ट। और प्रतीक भाव के साथ जा रहे हैं मार्केट में, थोड़ा प्रतीक भाव को एक मोबाइल की इंक्वायरी करनी है, इस वजह से मिलते हैं, देखते हैं कौन सा मोबाइल देखना होता। तो दिवाली की लाइटिंग इधर उधर बहुत चमक चमक चालू है अभी फिलहाल, दिवाली की वजह से बहुत लोगों ने अपने घरों को सजा कर रखा है, काफी कलरफुल बनाया है लाइटिंग से, ये भी लगा है।
अभी हम जा रहे हैं तुकुम के गुरुद्वारा के आगे से, और दिवाली है और गुरुद्वारा को भी काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह किया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इंटरप्राइजेस में HDB फाइनेंस का इंक्वायरी करने के लिए गए प्रतीक बाबू। दिवाली का पूरा माहौल, लक्ष्मी जी की मूर्ति और दिए विए सब कुछ, बहुत अच्छा मार्केट लगा है, काफ़ी अच्छा मार्केट सजा हुआ है दिवाली के वजह से। पूरे रोडों पर बहुत सारे, मतलब फुटपाथ पर भी बहुत सारे दुकान लगे हैं छोटे मोटे, दिवाली के सजावट के सामान, दिवाली के दिए वगैरह, रंगोली और बहुत सारे फ्लावर वगैरह लगे हैं, काफ़ी सारे कप्स लगे हैं अभी फुटपाथ पर। ज़्यादा रश है ये वरसिद्धि मॉल के पास में, संडे मार्केट है इस वजह से, तो अभी जाएंगे संडे मार्केट में और देखेंगे क्या है अपने लायक, गरीबों के लायक। कौन है हमारा डिफ्रेंस? काफ़ी ज़्यादा रश है इधर नाइट, काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी अच्छे ऑफर चलते इधर। ये हमारे चंद्रपुर की बर्डी है गरीबों की, जिसमें हम भी शामिल हैं, गरीब लोग। यप, तो हम इतने ज्यादा गरीब है कि लेने के लिए भी नहीं आए, सिर्फ देखने के लिए आए, और साथ में प्रतीक भाव भी। संडे मार्केट घूम के आने के बाद हम आए अक्षय भैया के शॉप में, और ये है उनका छोटा सा और प्यारा सा शॉप। यहाँ पे 50% ऑफ भी मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांडेड चीजें, भले आपको छोटा लग रहा होगा पर बहुत प्यारा है, बहुत सारी चीजें, हाँ जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं आप। बोलना चाहेंगे कुछ? हाय गाइस, विजिट करो और YouTube को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चल चलने दो। तो अभी हम आ चुके हैं कोहिनूर ग्राउंड के फटाका बाजार में, और यहाँ काफी सारे भीड़ है दिवाली के लिए फटाके लेने के लिए, और काफी सारे दुकान भी लगे। तो प्रतीक भैया आए रिदम, उनके भांजे के लिए फटाके लेने के लिए, तो देखते हैं कौन से फटाके लेते हैं और कौन से सुत्री माम। वाली बंदूक बहुत जोरदार है, हाँ ब्लैक वाली, आगे बढ़ो। इतना बड़ा भाषा का पेड़ कैसे अलग अलग टाइप से बंदूक है, फाइना। अबे जबरदस्त ना है। हमने ये छोटा सा ले लिया
अपने प्रतीक भाव के भांजे के लिए, हरिदम के लिए। अब वो फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा मालूम नहीं, बट ले लिए अभी फिलहाल। तो भी काफी सारे शॉप्स लगे इधर। चलो मिलते घर जाएंगे अभी थोड़ा। नहीं और नॉवेल्टी में जाने का है। क्या लेने का है? उसको भी लेने का है प्रतीक को मालूम। इधर हो रही है कंट्रोवर्सी दो लोगों में। अंदर गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे इस वजह से, और सभी लोगों की गाड़ियां बाहर लगा के है। हम चलते हैं, कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी। अभी हम आ चुके हैं जॉन नॉवेल्टी में कुछ सामान लेने के लिए। तो यहाँ आने के बाद प्रतीक भैया ने लिया बेल्ट, और यहाँ बहुत सारी चीजें है जो रेगुलर लाइफ में यूज होती है और बहुत प्यारी प्यारी चीजें। हमने उसमें से दो तीन चीजें खरीद ली है प्रतीक भाव के लिए। हमने वो दो तीन चीजें खरीद चुके हैं। थोड़ी देर में निकल कर घर हो गई शॉपिंग प्रतीक भाव की और निकल रहे घर। आज लेट हो गया तो हम डायरेक्ट शॉपिंग करके वॉकिंग के लिए आए प्रतीक भैया और मैं। और मेरा मोबाइल हो गया है बंद, इस वजह से ये वीडियो शूट हो रहा है प्रतीक भैया के मोबाइल से। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।